आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एयरटेल डिश टीवी के जो प्लान है उसको आप अपने मोबाइल के अंदर कैसे देख सकते हैं, जबकि आपके पास एयरटेल डिश टीवी के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर नहीं है। साथ में आपको यदि इसकी जो कस्टमर आईडी है वो भी पता नहीं है, फिर भी आप एयरटेल डिश टीवी के जो भी प्लान देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी मोबाइल के अंदर कई सारे यहाँ पे जो एयरटेल डिश टीवी के जो प्लान है वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी देख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा प्लान लगता है, जो भी आपको सस्ता प्लान लगता है उसको आप देख भी सकते हैं। साथ में उसके जो चैनल है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू लिस्ट पे क्लिक करके कौन कौन से चैनल मिलने वाले हैं वो चैनल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यदि आप इस प्रकार से एयरटेल डिश टीवी के प्लान देखना चाहते हैं ताकि आप एक फायदे वाला रिचार्ज कर सके, तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के अंदर ये जो क्रोम है इसको खोलना है, और खोलने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको ये जो लिंक दी हुई है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इस लिंक पर जाना होता है। तो चलिए हम इस लिंक पर जाते हैं, और जैसे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे लोडिंग यहाँ पे दिखाता है। कुछ ही समय बाद यहाँ पे जब हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे एयरटेल डिश टीवी के जो भी प्लान अभी चल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 269 रुपए में 30 दिन का प्लान है, जो कि यहाँ पे कौन कौन से चैनल मिलते हैं, टोटल जो चैनल मिलते हैं वो 358 मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं उसको देखने के लिए यहाँ पे व्यू लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो कौन कौन से चैनल मिलते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। और साथ में यदि आप कोई और प्लान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी कई सारे प्लान मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है उस प्लान को यहाँ पर आप डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो व्यू लिस्ट पे क्लिक करके आप डिटेल के साथ देख सकते हैं उसमें कौन कौन से चैनल मिलते हैं, कितने का रिचार्ज है और क्या कुछ मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप इन रिचार्ज को अपने मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।